ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी जनरेटर. द फर्स्ट वन वाज जनरेटर वर्किंग अलोन. अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया उसको भी ये सुन के थोड़ी सी समझ आ गई, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पिछला लेक्चर आप वॉच करें. नाउ सेकंड इज टू जनरेटर्स working parallel and we have generator with infinity bus buck. ठीक है, ये तीन मोड्स हैं. इसके साथ हमने बात की थी कि हमारे पास जनरेटर की इनपुट साइड पे दो ऐसी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. वन वॉज थ्रॉटल, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या होगी, एक्साइटेशन. थ्रॉटल का मतलब है कि आप लोग रोटर की स्पीड को कंट्रोल करें, ठीक है, और एक्साइटेशन का मतलब है यू विल चेंज द फील्ड करंट ऑफ द रोटर. ठीक है, ये बोथ क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड विद द रोटर. जनरेटर की कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है. ठीक है, अब होता क्या है, जो लास्ट टाइम हमने कंक्लूड किया था, व्हेन यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ थ्रॉटल, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी. और जब आपके पास एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर. अब ये दो क्वांटिटीज हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द टर्मिनल वोल्टेज. ये दो क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं कि वंस योर सिस्टम इज सिंक्रोनाइज्ड विद द इंफिनिट बस बार, आपका जो जनरेटर है वो एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, वाटा का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आप लोग बिजली जनरेट करते हैं और वो वाटा को सेल कर सकते हैं. ठीक है, उसका क्या है, जो आजकल नए मीटर आए हैं उसके साथ आप उसी फेज के साथ फेज कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल, तो सप्लाई जो आप पहले रिसीव कर रहे थे अब वो रिटर्न होगी, तो आपका मीटर रिवर्स में चलेगा, तो एट द एंड एक्युमुलेट बिलिंग हो जाएगी. ठीक है, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन. अच्छा, आपका जनरेटर अगर सिस्टम के साथ, मैं इसके साथ छोटे से सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम. वंस योर जनरेटर इज सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम, इसका मतलब है कि अब उसकी फ्रीक्वेंसी और टर्मिनल वोल्टेज ये चेंज नहीं होंगे. ठीक है, इसके लिए कल मैंने एग्जांपल भी दी थी, उसमें ये मैंने कहा था कि आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, इसके साथ मैं क्या करता हूं, एक बल्ब कनेक्ट करता हूं और ये मैंने बैटरी के साथ लगा दिया. अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं यहां पे एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करूंगा. ये जो मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया और इसके वोल्टेज भी है 12. नाउ दिस बैटरी इज फुली चार्ज, बीइंग कैपेबल ऑफ गिविंग 12 वोल्ट्स. नाउ दिस इज चार्जर ऑफ 12 वोल्ट. अब मुझे बताएं, ये जो आपका बल्ब ऑन होगा तो इसमें बैटरी की कितनी शेयरिंग होगी और ये चार्जर की शेयरिंग कितनी होगी. If the voltage level is same, then 50% will be here, 50% will be provided by this source. ठीक है? आप लोग ये चाहते हैं कि आपका ये सोर्स है, ये सिस्टम में ज्यादा सप्लाई दे, तो क्या करेंगे? इसका वोल्टेज लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा. Now it will be 14 volts. Now if this is 14 volt, तो अब क्या होगा? अभी बैटरी चार्ज ही नहीं चार्ज करेगा और साथ ही साथ आपका बल्ब इससे ग्लो करेगा. ठीक है, तो अगर आपके पास सिस्टम के साथ जनरेटर सिंक है, अब अगर आप थ्रॉटल इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सिस्टम में जो एक्टिव पावर डिमांड है, पावर इन वॉट्स, सिस्टम में एक्टिव पावर डिमांड है वो ज्यादा कौन पूरी करेगा,
जिस जनरेटर की थ्रॉटल ज्यादा होगी, और अगर आपके सिस्टम पे ज्यादा इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, अगर सिस्टम पे ज्यादा इंडक्टिव लोड लगा है और इंडक्टिव लोड की डिमांड ज्यादा है, तो उस वक्त आपके पास किसी पर्टिकुलर जनरेटर की अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो इट विल फुलफिल द डिमांड ऑफ मोर रिएक्टिव पावर. सो बेसिकली फील्ड करंट नाउ विल प्रोवाइड के वी आर रिएक्टिव पावर वी आर. ठीक है, ये आपके पास जो ये वाली मैंने इक्वेशन बनाई है या ये जो सीन क्रिएट किया है, इसमें आप लोग देखेंगे वो है जब सिस्टम के साथ आपका जनरेटर सिंक है. अगर वर्किंग अलोन है तो उस वक्त आपके पास थ्रॉटल इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज भी सीख जाएगी. ठीक है, यहां तक समझ आ गई? ओके, ये वर्किंग अलोन भी आप लोगों ने दे दिया, जनरेटर विद इंफिनिट बस बार भी दे दिया. इसके आज हमने फेजर डायग्राम को डिटेल में देखा. इससे पहले एक न्यूमेरिकल जो आपका पेपर में आएगा 100% पेपर में आएगा, ठीक है, वो है टू जनरेटर्स वर्किंग पैरेलल. फॉर एग्जांपल, अब इसकी एक इक्वेशन है, हर जनरेटर की एक इक्वेशन होती है, वो क्या होगी? फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज पावर डिमांड, पावर डिमांड ही होती है, आप जितना लोड कनेक्ट करेंगे पावर किस पर डिपेंड करती है. व्हेन योर सिस्टम इज टू जनरेटर्स इफ दीज आर पैरेलल फ्रीक्वेंसी पे लिखा हुआ है, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड स्लोप फैक्टर एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी एट नो लोड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. अब इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन मैंने लिखी कैसे है देखें, कीपिंग द थ्रॉटल कांस्टेंट, अगर मैं थ्रॉटल को कांस्टेंट करूं, थ्रॉटल होती है रेस. एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और किसी चढ़ाई पे उसने चढ़ना है, ठीक है, मैं रेस अपनी इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, एक्सेलरेटर जो है कार का वो मैं कांस्टेंट रखता हूँ, तो मुझे ये बताएं गाड़ी की स्पीड उतनी रहेगी, वो कम हो जाएगी. तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहां पे है, अगर मैं सिस्टम अपना ओवरलोड कर दूं, इफ आई कलेक्ट मोर वाट्स एट माय जनरेटर विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थ्रॉटल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है. तो ये ऐसे ही है कि आप लोगों के पास ऑन एक्स एक्सिस आई हैव पावर डिमांड, दैट विल मीन वाट्स, किलोवाट्स, मेगावाट्स. नाउ वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है. आप लोग इसीलिए ये करते हैं कि जनरेटर जो घरों में लगे हुए या इंडस्ट्री में लगा हुआ है उसको नो लोड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हायर रखते हैं, वो इसलिए कि जब मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होके किस पे आ जाए, 50 हर्ट्ज पे आ जाए, जो आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो नॉर्मली आई स्टार्ट विद अ लिटिल हायर फ्रीक्वेंसी. नाउ एट दिस टाइम व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एट नो लोड. एट एनी सर्टेन पॉइंट यू हैव दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर पावर डिमांड, ठीक है. ये बात समझ आई है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. आप लोग पावर डिमांड बढ़ाते जाएं, लोड ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ड्रॉप होती जाएगी. फॉर एग्जांपल दिस इज माय जनरेटर वन, नाउ आई हैव अनदर जनरेटर जो मैंने पैरेलली कनेक्ट करना है. अब जब पैरेलली कनेक्ट करना है तो उसकी अपनी एक स्लोप होगी, ठीक है, जनरेटर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. हो सकता है एक जनरेटर पे आप लोग 1 मेगावाट का लोड इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 1 हर्ट्ज का डिफरेंस आए. हो सकता है एक जनरेटर पे आप 1 मेगावाट का लोड एक्स्ट्रा लगाएं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रही है 1.5
1.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाए उसमें। ये बात समझ आ रही? Yes, डिपेंड करता है कि उस जनरेटर की जनरेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। नाउ आई हैव अनदर जनरेटर दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर 2। तो जनरेटर 2 बेसिकली मैं क्या करता हूं, इस साइड पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब मेरे सिस्टम की जो टोटल डिमांड है, नाउ दिस इज इन मेगावाट्स, टोटल डिमांड ऑफ माई सिस्टम इज लेट से 4 मेगावाट एंड दीज आर सप्लाइड बाय 2 जनरेटर्स, ठीक है। एक का जो आपके पास स्लोप फैक्टर है SP1 दैट इज 1 मेगावाट पर हर्ट्ज, ठीक है। इट मींस दैट इफ आई एम कनेक्टिंग 1 मेगावाट ऑफ लोड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज क्या होगी, ड्रॉप कर देगी, ठीक है। नाउ आई हैव अनदर जनरेटर जिसका आपके पास स्लो फैक्टर है 1.5 मेगावाट पर हर्ट्ज, फॉर 1 मेगावाट ऑफ द लोड ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ड्रॉप करेगी, 1.5 हर्ट्ज, ठीक है। आपने इसको एक सिस्टम फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से इन पाकिस्तान वी हैव 50 हर्ट्ज, मैंने इसको 50 हर्ट्ज पे चलाया, टोटल लोड शेयरिंग इसकी कितनी होगी, टोटल लोड दोनों ने कितना बेयर करना है, 50%, वो 50% नहीं 4 मेगावाट, ये नहीं हम बता सकते हैं कितना, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज 2 मेगावाट और इस साइड कितना होगा, 2 मेगावाट, तो इसकी स्लोप आपके पास कितनी है, लेट्स से 1, इसकी स्लोप कितनी है 1.5, सो इस पॉइंट पर रीच करने के लिए आपके पास ये जनरेटर अगर यहां से स्टार्ट होगा तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा। इट मींस दैट आई शुड कीप द जनरेटर टू फ्रीक्वेंसी, नो लोड फ्रीक्वेंसी अ लिटिल बिट हायर देन जनरेटर 1 फ्रीक्वेंसी। अब ये न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने, नाउ दिस इज अ जनरल इक्वेशन, पावर डिमांड इज इक्वल टू स्लोप फैक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी नो लोड माइनस सिस्टम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको ये सारा सिचुएशन बता दी है कि सिस्टम आपके पास सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। नाउ आई एम टेकिंग 2 पावर्स विद 2 जनरेटर पावर, सो P1 प्लस P2 that will be equals to SP1 times frequency at no load minus system frequency plus SP2 slow factor 2 into frequency at no load minus system frequency. Now what is the total power? 4 megawatt. Iski value kitni hai? 1. No load frequency iski pata kitni hai? Nahi pata. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज प्लस ये कितना है 1.5, इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी 5 है माइनस 50 हर्ट्ज। इसके साथ आप लोग 1 और 2 सबस्क्रिप्ट लगाएंगे ताकि पता चले कि किस जनरेटर की नो लोड फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं। अच्छा अब इस डायग्राम से आप लोगों को कुछ ये आइडिया हो रहा है कि अगर मैं ये चाहूं कि कोई एक जनरेटर ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो मैं क्या करूंगा, ये 2 मेगावाट शेयर कर रहा है, ये कितना शेयर कर रहा है, 2 मेगावाट। मैं ये चाहता हूं कि ये जो जनरेटर 1 है ना आपके पास, ये बेसिकली जो जनरेटर 1 है दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और जो जनरेटर 2 है आपके पास ये क्या है, डीजल जनरेटर है।
मुझे ये बताएं कि कौन सा जनरेटर ज्यादा महंगा है, इसकी कैपिटल कॉस्ट नहीं रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट किस जनरेटर की ज्यादा है? डीजल जनरेटर। तो आप लोगों के पास डीजल जनरेटर की जो रनिंग कॉस्ट है फ्यूल वाइज वो इससे ज्यादा है, तो क्या ख्वाहिश होगी कि डीजल जनरेटर ज्यादा चले या हाइड्रोलैक्ट्रिक जनरेटर? हाइड्रोलैक्ट्रिक जनरेटर ज्यादा चले। तो जब आप लोग ये चाहते हैं कि आपका हाइड्रोलैक्ट्रिक जनरेटर ज्यादा चले तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सिर्फ इतना करना है कि यू विल इंक्रीज द नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर टू एंड डिक्रीज द नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर वन। सो इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने बढ़ानी है और इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी कम कर दी। मैं अगर इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है, क्योंकि हम स्लोप को चेंज कर ही नहीं रहे। तो ये आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। और मैं अगर इसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी कम कर दूं तो एग्जैक्टली इसके पैरेलल ये लाइन आ जाएगी। तो अब अगर आप लोग देखें कि टोटल एरिया कवर्ड, एरिया नहीं टोटल, हाँ टोटल एरिया कवर्ड आपके पास कॉन्स्टेंट रहना चाहिए इस लाइन, और ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी है ये वाली लाइन। तो यहां पे आप लोग देखें तो ये आपके पास सिस्टम फ्रीक्वेंसी है और इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो आपके पास ये बनता है। तो ये जो शेडेड एरिया बनेगा ये फिर आपके पास टोटल कितना होगा? 4 मेगावाट। नाउ जनरेटर टू इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग 1 मेगावाट और जनरेटर टू अब आपका कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3 मेगावाट, ठीक है। तो ये किससे डिपेंड हुआ, ये किससे चेंज हुआ? नो लोड फ्रीक्वेंसी। मुझे अब आप लोग ये सवाल करें कि आप लोगों ने नहीं किया कि अगर आप लोगों के पास ये फ्रीक्वेंसी नो लोड के वक्त मैच ही नहीं कर रही तो ये फिर सिंक्रोनाइज कैसे होंगे? आप 50 हर्ट्ज का एक पावर लाइन है और एक 51 हर्ट्ज की पावर लाइन है, उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। सिंक्रोनाइजेशन के 4 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज लेवल, फेज सीक्वेंस एंड फेज डिफरेंस। ये सीक्वेंस इसी तरह याद रखना, ठीक है। कभी भी किसी ग्रिड में जाएंगे, ग्रिड में नहीं पावर हाउस बड़े, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, जनरेटर अपना रन करते हैं। जब जनरेटर रन होगा सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, उसके बाद उसका वोल्टेज, उसके बाद फेज सीक्वेंस, ठीक है, और उसके बाद फेज डिफरेंस। जब ये चारों चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, एक कंट्रोल रूम होगा बड़ा सारा, उसमें एक बकाया तौर पे जो उस वक्त वहां का सीनियर इंजीनियर अवेलेबल होगा उसके पास एक की होती है। वो की किसको ऑपरेट करेगी? सर्किट ब्रेकर को। वो एक आम स्विच नहीं है जो आप लोग घुमाए तो वो आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा। वो एक बकायदा की होती है जो उसी के पास है, वो ऑथोराइज है। क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा और वैसे स्विच को ऑन कर दिया तो मुझे बताएं कि आपका जो सिस्टम है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? व्हेन योर वन सिंगल जनरेटर इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 200 मेगावाट, एक जनरेटर जो सिंगल 200 मेगावाट सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है तो सिस्टम की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होगी ना। तो अगर इन एनी केस ये सिंक्रोनाइजेशन ना हो और वोल्टेज में चेंज आ जाए तो क्या सोचें क्या होगा? तो सारे कंडक्टर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे ड्यू टू वेरी हाई करंट, ठीक है। सो यहां पे सवाल जो आप लोगों ने मुझसे ये करना था कि जब नो लोड फ्रीक्वेंसीज ही नहीं सेम, जब आपकी नो लोड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो ये फिर आप लोगों ने कनेक्ट कैसे कर दिया या एक कंट्रीब्यूट कैसे करेगा दूसरा किस सर्किट में? हम ये चेंज नो लोड फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना। यस सर, बेसिकली नो लोड फ्रीक्वेंसी इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो उस वक्त इनकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने सेम रखनी है। इसकी ये जो स्लोप ड्रॉ की है मैंने, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों को पता है, ठीक है। वंस दीज टू जनरेटर्स आर इन पैरेलल they have combined frequency that is called as FS system frequency. Now you will increase the value of throttle. ठीक है, ये throttle की value बढ़ाएंगे
और अज्यूम करेंगे कि अगर मेरा जनरेटर नो लोड हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो है उसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ आई है? नहीं आई? चलिए इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि शायद ज्यादा समझ आ जाए। अच्छा ये था इन केस ऑफ पावर, ये पेपर में मेरे सवाल पूछे ठीक है। आपको डाटा गिवन होगा जिसमें जनरेटर वन की नो लोड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ठीक है, उसकी स्लोप फैक्टर गिवन होगा। सुन रहे हैं? ये पेपर में सवाल है। हाँ जी बन गया होगा, जो पेपर में क्वेश्चन आना है उसमें आपको एक जनरेटर का डाटा गिवन होगा जिसमें उसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ठीक है, उसके बाद उसका स्लो फैक्टर गिवन होगा और टोटल डिमांड गिवन होगी ठीक है, और सिस्टम फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है क्या कैसे कौन से कैलकुलेट करनी है। ये जनरेटर वन है, इसकी एफ नो लोड वन आपको गिवन होगी 50.5 हर्ट्ज, लेट्स से एफ नो लोड टू आपको ये जो गिवन होगी लेट्स से इट विल बी 51 हर्ट्ज ठीक है। ये डाटा आपको गिवन होगा और साथ में कहा जाएगा द टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल पावर डिमांड इज 4 मेगावाट और 2 मेगावाट और समथिंग, फाइंड आउट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। तो जब आपके पास यहां पे एक लो लोड फ्रीक्वेंसी भी है, ये भी है, ये नहीं है, एफ एस एस एट भी आ गया ठीक है, तो यहां से सिस्टम की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी ठीक है। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी, आप लोग यहां से इंडिविजुअल पावर प्रोवाइडेड बाय ईच जनरेटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पुट इट इन द वैल्यू, यू नो द वैल्यू ऑफ जनरेटर वन नो लोड फ्रीक्वेंसी, नाउ यू हैव फाइंड आउट फॉर आउट द वैल्यू ऑफ एफएस, लो फैक्टर आपको पता है, तो ये जनरेटर वन की क्या आ जाएगी पावर जो उसने सिस्टम को प्रोवाइड करनी है। अच्छा इसमें अब एक ट्रिक होगा, क्वेश्चन ट्रिक क्या होगा, अगले पार्ट में पूछा जाएगा, इफ योर सिस्टम इज ओवरलोडेड बाय 1 मेगावाट ऑफ लोड, अब उसकी नई सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पहले कितना था? पहले 4, अब कितना हो गया? 5 मेगावाट ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। अच्छा अब जो पेपर में ट्रिक होगा, चले वो भी मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए इफ एन एडिशनल लोड ऑफ 2.5 MVAR इज कनेक्टेड, व्हाट इज द न्यू सिस्टम फ्रीक्वेंसी? उसका फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा 1 MVAR आप कनेक्ट करते हैं 2.5 MVAR या व्हाटएवर, अच्छा अब इसमें एक और बात, अगर साथ में पावर फैक्टर भी गिवन होगा, इफ एन एडिशनल लोड ऑफ 2.5 MVAR एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इज कनेक्टेड, अब इसका मतलब है कि MVAR अगर उसने बताया है और पावर फैक्टर भी बता दिया है तो कोई तो एक्टिव पावर है जो इसमें ऐड हो रही है। अगर खाली MVAR बताया है तो इसका मतलब है कि अज्यूम कर रहे हैं कि आपका पावर फैक्टर जीरो है, इट्स 100% रिएक्टिव लोड। लेकिन अगर रिएक्टिव लोड बताने के साथ पावर फैक्टर भी बता दिया है तो आप इसका मतलब है कि इसमें कोई एक्टिव पावर भी है, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पता है सही? MVAR P = V
पावर एमवीआर पावर होगी बट वीआई साइन पी सी तो उसमें क्या होता है एस कॉस ऑफ थीटा यस एस वीआई होता है ये क्या होगा वॉट्स यही होता है क्यू क्या होता है एस कॉस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो आपके पास क्या बनेगा P is equal to Q P is equal to Q cot theta बताएंगे cot theta cot theta P ये extra करेगा ये sin theta बनेगा ठीक है tan theta बनेगा P तो tan हो जाएगा cot is equal to cos तो Q is equal to P tan theta Now additional load of 2 MVAR is connected. ये मैंने बताता नहीं होता वैसे लेकिन आप लोग इतनी पैथेटिक हालत है अगर ये मैंने बताया ना और पेपर में आप लोग ना किया तो आप लोग स्ट्रेट अवे फेल हो गए ये वीडियो इतने आप लोग भी देख लें बड़ी बात है दुनिया की क्या फिक्र कर रहा है और उसमें कौन सा ये बता रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं आप लोग ठीक है एनीवेज नहीं दिस इज एलिमेंट्री लेवल ना कौन सा एम एस पी एच डी या कोई पोस्ट डॉक लेवल है अब तो ये एलिमेंट्री लेवल ही हो गया ठीक है अच्छा ये समझ आ गई है पी सी को शुरू या क्यू सी को शुरू पी क्या तो यहां पे आप लोगों ने थीटा की बजाय क्या पुट कर रहे हैं cos इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर ठीक है cos इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर से कुछ थीटा ठीक है तो ये जो आपके पास पावर आएगी ये जो पावर आएगी तो फिर ये पावर आपने उसमें ऐड करनी है ठीक है अब यही सारा क्वेश्चन आप लोग के पास सेकंड केस के लिए आ सकता है तो सेकंड केस के लिए आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एक्जेक्टली एज सेम एंड यू हैव क्यू इज इक्वल्स टू एस क्यू स्लोप फैक्टर और यहां पे क्या लिखा है v एट नो लोड माइनस vs ठीक है क्योंकि आपके आपने यहां पे एक्साइटेशन को अगर फिक्स कर दिया तो अब आपके जो रिएक्टिव पावर डिमांड हो दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दिस टर्मिनल अगर आप लोग रिएक्टिव पावर डिमांड रिएक्टिव पावर अगर सिस्टम पे ज्यादा लगाएंगे ज्यादा लैंड लोड लगाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा उसके वोल्टेज को ड्रॉप होगा इज इट फाइन ठीक है तो उस केस में आपके पास ये देख लो ये आपके पास जिस तरह 1 मेगावाट पर हर्ट्ज था तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी एस क्यू टी सर वोल्ट मेगा भी एमवीआर पर केवी और वोल्ट और समथिंग ठीक है जो वोल्टेज की आपके पास वैल्यू होगी यूजुअली जनरेटर्स केवी नहीं होते ठीक है और ये जो आपके पास रिएक्टिव लोड है बड़े जनरेटर्स के लिए तो ये एमवीआर होता है ठीक है एंड इट्स जस्ट अ स्लोप फैक्टर और इसका ये ओवरऑल ये रेवेन्यू में रहेगा और ये वोल्ट्स में रहेगा जो प्रीवियस में ऐड हो अगर पावर फैक्टर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर जीरो है ठीक है ओनली रिएक्टिव पावर मीन नो एक्टिव पावर और एमवीआर के ऐड कर
दोबारा से कैलकुलेशन सिस्टम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं किसी एक जनरेटर की नो लोड फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं, नाउ व्हाट विल बी द न्यू पावर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, कौन सी इक्वेशन सिंपल है, इक्वेशन समझा दो। सारा कुछ इसी चीज में, तो ये आपके मस्ट आस्क क्वेश्चन है इन योर पेपर। अच्छा, अब रहेगी बात जनरेटर कनेक्टेड विद इंफिनिट बस बार, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम क्वेश्चंस। और अगर किसी ने एनटीडीसी में ट्रांसमिशन में जॉब करनी है तो उसको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैंने पावर एंगल इक्वेशन करवानी है ताकि वो जो हम अगला काम करने लगे वो आसान हो जाए। आप लोगों ने अभी तक पावर की जो इक्वेशन पढ़ी है इस तरह लिखी है आपने, टर्मिनल वोल्टेज फॉर योर जनरेटर्स, टर्मिनल वोल्टेज इंटू आई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इट्स पावर फैक्टर, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके पास 3 फेज पावर होगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, 3 से आई विल मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। व्हाई अंडर रूट 3 इज आई ए इज लाइन, दिस इज अगर अगर ये वाई में जनरेटर्स आर ऑलवेज इन वाई, ठीक है। नॉर्मली सोर्स होते हैं ये आपके सारे वाई में होते हैं और लोड्स जो आपके हैं ये वाई में भी हो सकते हैं और डेल्टा में भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको वाई डेल्टा का पता है, ये इक्वेशन बड़ी वेल नोन है, ये आप लोगों को पता है। जनरेटर की इक्वेशन लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाई थी वो क्या थी, योर टर्मिनल वोल्टेज फॉर एनी सिंक्रोनस जनरेटर इज बेसिकली इक्वल टू ईएमएफ प्रोड्यूस्ड माइनस आई ए आर प्लस जे आई ए एक्स, ठीक है। तो मैं इसमें आई ए भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपके पास क्या बनेगा आर ए प्लस जे एक्स, ठीक है। यहां तक यस सर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया टर्मिनल वोल्टेज के। अब आपको ये भी पता है कि जो आपके पास ईएमएफ होता है ये किसके इक्वल होगा जनरेटर कॉन्स्टेंट इनटू आईएफ K5 ओमेगा के इनटू आईएफ आईएफ इनटू ओमेगा, ठीक है। ये एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे उसकी रोटेशन पे। हम इसमें ईएमएफ को डायरेक्टली ये कहते हैं कि किस पे डिपेंड करता है आईएफ पे, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी स्पीड को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने अगर जनरेटर पे वोल्टेज को चेंज करना है तो वो किससे चेंज होगा एक्साइटेशन से, तो वो एक्साइटेशन से चेंज होगा। तो उसमें जो चीज चेंज करती है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसको क्या कहते हैं एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या करना है आई ए को सेपरेट करूंगा तो जो आपके पास आई ए आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा ठीक है। वो पोलैरिटी का कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें ओके। अब मुझे इसको मैं और सेपरेट
लिखता हूं, तो ये आपके पास बनेगा E और R A plus J XS minus V T over R A plus J XS. ये R A plus J XS को मैं एक टोटल इंपीडेंस रिप्रेजेंट करूंगा इन नेक्स्ट स्टेप, तो वो आपके पास हो जाएगा ZS. अब मुझे ये बताएं कि ये आपके पास I A क्या है? लोड करंट. आर्मेचर ने आर्मेचर से जो करंट पास कर रहा है वो कौन सा करंट है? लोड करंट है ना. तो लोड करंट का एंगल क्या होगा? पावर फैक्टर जो उसका पावर फैक्टर, ठीक है, वो लैगिंग हो या लीडिंग हो, व्हाटएवर, इट डिपेंड्स अपॉन द लोड. तो आई ए का आपके पास एंगल क्या हो गया? थीटा. थीटा ऑफ आई पावर फैक्टर नॉर्मली फाई से रिप्रेजेंट होता है थीटा से. तो ये आपके पास क्या हो गया? E का एंगल आपके पास क्या होगा? जीरो नहीं होता, 182 डेल्टा से रखता है, ठीक है, और डिवाइड बाय ZS माइनस VT. VT का एंगल क्या होगा? VT का एंगल, ठीक है, डिवाइड बाय ZS. Assuming that, जो आपके पास वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, that is negligible. हम ये assume कर लेते हैं ना, क्योंकि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है with respect to reactance. वैसे भी कोई भी सिस्टम आप लोगों ने जनरेटर डिजाइन करने या कोई आपने ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करने है, उसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं X by R ratio. ये हाई रखी जाती है, ठीक है, ग्रेटर देन, और इसमें जो फैक्टर होता है दैट इज 10 टाइम्स. इट मींस दैट जो आपकी रिएक्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस से 10 टाइम्स ज्यादा ही होगी, ठीक है. ये रखने की वजह होती है कि जब आपके पास फॉल्ट के केस आए तो फॉल्ट करंट्स में ज्यादा हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है. जो हायर हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंस जो होती है 2 पाई एफएल होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब है रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हाई होगी. तो आपकी रेजिस्टेंस तो वो फॉल्ट करंट को लिमिट नहीं कर सकती, जो रिएक्टेंस होती है वो फॉल्ट करंट को लिमिट कर देती है. तो इसीलिए हम जनरेटर्स में एक्स बाय आर रेशियो ज्यादा रखते हैं, ठीक है. ये आपके अगले जो सब्जेक्ट है उसमें आएगा. तो जब आपके पास ये एक्स बाय आर रेशियो ज्यादा है और आर ए आप लोग पहले ही कह रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, तो उस केस में ये जो आपके पास जेड एस है क्या बनेगा? एक्सएस, ठीक है. तो एक्सएस आपके पास, इसका मतलब ये है कि एक्सएस का मतलब क्या है? इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है. तो यहां से अब आपके पास इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने लगा ई ओवर एक्सएस डेल्टा माइनस 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया? बी टी ओवर जेड एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है, और ये आई ए का एंगल आपके पास क्या हो गया? इज इट फाइन? रिएक्टेंस का एंगल क्या होता है? इंडक्टिव का एंगल क्या होगा? जे है. अगर ये जे है ना, तो क्या था? आर प्लस जे एक्सएस. तो आर मैंने कहा ना जीरो, तो जे एक्सएस अगर मैं जे में बताऊं तो क्या लिखूंगा? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है. अब इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं? VT से, ठीक है, ये भी VT से मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे VT का स्क्वायर आ गया. आप लोगों को एक और बात का पता है, ये R एंगल थीटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं किससे? R cos of theta कर सकते हैं. R cos of theta प्लस वही होगा cos theta, अगर इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है उसका साइनोटा साइन थीटा, वो जो आप लिखते हैं ना वो R थीटा नहीं, वो E रेस टू पावर J थीटा, ठीक है. तो अब ये जो चीज आपके पास बनी VT into IA into cos of theta, ये सेम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? VT ओवर XS into cos of डेल्टा माइनस 90 डिग्री,
which is your own excess cause of minus antibodies. इसमें कोई मसला कॉज ऑफ ग्रेविटी क्या होता है जीरो ये तो सारा फैक्टर दिया ठीक है तो आपके पास इक्वेशन बचेगी दैट विल बी vg into e over xs into sin of delta and this is equals to power अब ये जो पावर है वो जो पावर आपने यहां पे देखी है ये पावर किस पे डिपेंड कर रही है vt इज कांस्टेंट vt इज कांस्टेंट फॉर ऑल ये जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर के कांस्टेंट रहेंगे ये लोड करंट है और ये क्या है पावर फैक्टर लोड का पावर फैक्टर बोलते हैं लोड के तो ये पावर डिमांड है जनरेटर की जो लोड लगा हुआ है ये उसके एस्पेक्ट से ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन किसके एस्पेक्ट से है पावर जनरेट जो पावर जनरेट कर जनरेशन साइड पे क्योंकि जनरेशन साइड पे ये जो आपके पास देखिए उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके इनपुट के साथ रिलेट कर रही हो इनपुट में क्या है आपके पास ओमेगा एंड आई एफ ठीक है जनरेटर ने पावर डिलीवर करनी है तो कंज्यूम किसने करनी है लोड ने तो ये इक्वेशन बताएगी कि आपकी पावर कितनी डिलीवर हुई जनरेटर ने लोड की डिमांड पे ये इक्वेशन क्या बताएगी कि आपकी जनरेटर ने कितनी पावर प्रोवाइड की और इसमें देखें एक आपके पास साइन है एंगल डेल्टा डेल्टा एंगल किसका है ईएमएफ का तो यहां पे ईएमएफ भी है यहां पे क्या है EMF है तो बेसिकली ये इनपुट के पैरामीटर्स पे ये इक्वेशन डिफाइन हो रही है अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूं तो इसके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर आपके दो मेजर सब्जेक्ट्स सारे के सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं इस इक्वेशन पे आप लोग समझ रहे हैं इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर पावर इंजीनियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके दो सब्जेक्ट्स पावर सिस्टम एनालिसिस एंड ऑपरेशन जिसमें आपने लोड फ्लो एनालिसिस यूनिट कमिटमेंट और इस तरह चीजें जो पढ़नी है ना वो सारी यहां से ड्राइव होंगी ये डेल्टा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इस साइड पे आपके पास है साइन डेल्टा और यहां पे आपके पास पावर तो ये साइन साइन डेल्टा की डेल्टा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है जीरो टू वन ठीक है ये मैंने डेल्टा और डेल्टा एफ को जीरो कर दिया 180 तक ड्रॉ किया है तो ये मैक्सिमम पावर कितनी होगी एट साइन 90 डिग्री साइन 90 है यहाँ पे तो डेल्टा की वैल्यू जब यहाँ पे 90 डिग्री होगी उस वक्त पावर मैक्सिमम कोई भी जनरेटर मैक्सिमम पावर जो डिलीवर कर सकता है ये करेगा यानी कि इसका मतलब ये है इसको नॉर्मली ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना टफ है कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का एंगल 90 डिग्री हो सकता है से बहुत ज्यादा लेकिन नहीं होता आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो आपके पास लेट से ये टर्मिनल वोल्टेज है और फॉर लैगिंग करंट दिस इज आई ए आर ए जे 90 आई जे आई ए एक्स एस तो ये है आपके पास ईएमएफ दिस इज ईएमएफ दिस इज टर्मिनल वोल्टेज ये एंगल डेल्टा है मुझे ये बताएं कि ये आपके पास ईएमएफ और ये वीटी डेल्टा ये 90 डिग्री हो सकता है नो सर कभी भी नहीं हो सकता ये देखिए ये आपका इन इंडस्ट्री इन रियल जनरेटर्स ये 10 टू 15 डिग्री इसमें रहता है 5 टू 15 इतना 0 टू 15 व्हाटएवर तो बताइए 90 डिग्री हो सकता है तो जैसे ही अगर ये 90 डिग्री बाय एनी कॉज हो जाए तो उस वक्त आपका सिस्टम जो होता है ना वन स्टेबल हो जाता है जनरेटर ठप कर देगा तो इस इक्वेशन को आपने इस तरह लेना है कि ये इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा 90 हो तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा इसको आपने एंगल थोड़ा सा समझने का इस तरह लेना है
कि जनरेटर की अगर डेल्टा 90 हो जाए तो जनरेटर की बस हो जाएगी, बस मैं वो ट्रिप कर देगा, ठीक है। उस वक्त अपनी जो मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता था वो ही कर सकेगा या कर देगा, उससे ज्यादा वो पावर डिलीवर नहीं करता, नहीं कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये ईएमएफ का डेल्टा ये होता है 90 डिग्री, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में आपके पास करंट कितना होगा, इंफिनिटी करंट होगा, फिर ये जाके ईएमएफ मैक्सिमम पे जाता है, 90 डिग्री पे जाएगा। इस इक्वेशन में देखे ना कि ये जो आपके पास वेक्टर है ये कब 90 डिग्री पे जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ सर 40 90 से करंट का एंगल, जब आपके पास रिएक्टेंस आर ए जीरो होगी, आर ए जीरो होगी तो ये वेक्टर बनेगा ना इसके 90 डिग्री पे, तो ये ईएमएफ है 45 बनेगा सर, ठीक है, फिर भी 45। लेकिन अगर करंट इंफिनिटी करूंगा इतना ऊपर जाए इसकी लेंथ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए, so at infinity current only then, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, one is p is equal to vt i a cos of theta और दूसरी आपके पास क्या है, p is equal to vt emf और reactance sine of theta। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट थ्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकलेंगे कि वंस योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद इंफिनिट बस बार, सिस्टम आपका इंफिनिट बस बार के साथ कनेक्टेड है, एंड दो चीजें, यू आर कीपिंग योर एक्साइटेशन कॉन्स्टेंट एंड चेंजिंग द थ्रॉटल, और दूसरा केस क्या होगा, आप थ्रॉटल कॉन्स्टेंट रखेंगे और एक्साइटेशन को वेरी करेंगे, तो इसका सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वो जो नोट्स मैंने आपको दिए थे जिसमें डिफरेंट कलर से डिफाइंड हुआ हुआ है, उसको जरा आज जाके एक दफा पढ़ के देखें, उसको नजर फेरें कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको वो बहुत ही ज्यादा लेबोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी बुक में वो सारी डायग्राम सब चीजें अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इतना डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट समझा दिया कि डिफरेंट कलर से नहीं डिफाइन है, तो उसको जाके आप लोगों ने गौर से देखना है। तो आज हम यहीं पे पॉज करेंगे, आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको वो दो चीज़ें मैं कराऊं और ताकि ये ख़त्म हो। इसमें किसी को कोई मसला बता देंगे, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच।